नमस्कार मेरे धनुराशि के मित्रों, स्वागत है आपका अनिल शर्मा एस्ट्रोलॉजी में। और आज मैं आपकी राशि और फरवरी मंथ के बारे में बात करूंगा कि मंथ ऑफ फरवरी क्या लेके आया आपके लिए। और सबसे जरूरी बात पहले कहूंगा कि आप लोगों के लिए ये महीना बहुत अच्छा हो, ये प्रार्थना इस परमपिता परमेश्वर से। और साथ ही साथ कहूंगा कि आपके ऊपर है शनि की साढ़े साथी और शनि आपकी राशि से गुजर रहे हैं। वहीं आपकी कुंडली से में चंद्रमा राहु के साथ अष्टम भाव में इस महीने में होंगे, तो यह स्थिति कहीं ना कहीं आपकी सेहत को जरूर कमजोर बनाए हुए। तो सेहत के मामले में एक तो लेजी बिल्कुल नहीं होना है आपने, ये ध्यान रखेंगे कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते रहें। जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है उन लोगों को बहुत सावधान रहना है, जिनको ठंडी बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाती है उनको बहुत सावधान रहना है, जिनको नींद कम आती है, जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और जिनकी याददाश्त कमज़ोर है, ये सारे के सारे फैक्टर उन लोगों के लिए इस महीने में जो सेजिटेरियन हैं उनको परेशानी देने वाले हैं। तो अच्छी बात यही है कि अपने आप को एक्टिव रखें, लेजी ना हों बिल्कुल भी, हर चीज़ को समय पर करने की आदत डालें, सुबह सूर्योदय से पहले उठने की आदत डालें, तो आप एक अच्छी सेहत का लाभ जो है ले पाएंगे। क्योंकि सेहत होगी अच्छी होगी तो आप हर चीज़ का आनंद ले पाएंगे, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। और मेरा ये मानना है कि अच्छी सेहत ही सब सुखों को भोगने का एक सबसे बड़ा साधन जो है वो हो सकती है। अब बात करूं मैं उसके बाद भोगेंगे क्या, हमारे इर्द गिर्द हमारे सगे संबंधी बहन भाई माता पिता के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे, तो मैं ये कह देना चाहता हूँ एक्सटेंडेड फैमिली में सूर्य बुध शुक्र केतु ये चार ग्रहों का योग बन गया है, जिसमें आपके मान सम्मान की वृद्धि हो सकती है। लेकिन वहीं शुक्र जो है वीनस जो है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर उंगली उठाने में भी काम करेगा, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान है कि लोगों की दूसरे की बात सुनकर आप किसी के साथ आर्गुमेंट करने की स्थिति में ना आए तो ये अच्छी बात है। आप खुद अपनी समझ से, क्योंकि आप तो फिलोसफर हैं, आप तो बाई बर्थ जो है डॉक्टर हैं, आपको नेचर ने डॉक्टर बना के भेजा है, हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बना के भेजा है, तो आप दूसरों की बात सुनकर अगर कुछ रिएक्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर भेजिए आपका सबसे बड़ा, आप ही इसके लिए कारण होंगे, आप ही कसूरवार होंगे। तो सेकंड हाउस में ये जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं आपकी इमेज को या आपके एक्शन की वजह से आपकी इमेज को धूमिल करने में रोल प्ले कर सकती है। तो ध्यान दें कि ऐसा बिल्कुल ना करें, आपका मान यश कीर्ति बढ़ेगा। इस समय लेने में नहीं देने में फायदा, अगर आप किसी को कुछ देकर उसकी मदद कर सकते हैं तो इससे आपके जीवन में और चार गुना दस गुना तरक्की होने के योग बन जाएंगे, तो इसलिए किसी की अगर मदद बनती हो तो कर दीजिए। यहाँ तक बहन भाइयों की बात है, मैं देख रहा हूँ कि बहन भाइयों की स्थिति जो है पहले से बेहतर है, लेकिन कुछ रुकावटें साथ साथ बनी हुई, आपको उनकी चिंता भी है। मैं फिर भी कहूंगा कि चिंता तो होनी ही होती है, चिंता करनी भी चाहिए, चंद्र राहु आठवें घर में कोई ज़्यादा ही चिंता कर रहे हैं, तो चिंता ना करके उनका अगर कोई साथ देकर उनको सहयोग देकर उनको आगे बढ़ा सकते हैं तो इस चीज़ को करने में से ही लाभ होगा, जिससे चिंताएँ जो है कम होंगी और एक अच्छा आउटकम जो है वो आपको मिलेगा। अगर मैं माँ बाप की बात करूँ तो माता पिता की स्थिति जब मैं देखता हूँ आपकी कुंडली में तो निश्चित तौर पर ये एक बेहतरीन स्थिति है, लेकिन इसके साथ साथ देख रहा हूँ कि माता को एसिड रिफ्लक्स जो है पेट से जुड़ी हुई बीमारियाँ जो हैं उनसे कुछ परेशानी, जिसकी वजह से शायद उनको हल्का माइग्रेन भी रहे, ऐसी स्थितियाँ आ सकती हैं। वहीं पिता की स्थिति अगर मैं देखूं तो निश्चित तौर पे एक बेहतरीन स्थिति, उनके कामकाज में और बढ़ोतरी होने के योग हैं, उनके साथ अच्छे संबंधों के योग हैं, तो एक अच्छी बात है। हाँ, अगर पिताजी को किस तरह का अस्थमा या स्किन की प्रॉब्लम है उसमें कुछ चिंताएँ जो हैं वो हो सकती हैं, तो इस तरह का संबंध होगा और पिता से आपको विशेष तौर पर धन लाभ की स्थिति बनेगी और माँ से भी आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन थोड़ी चिंता जरूर रहेगी। जहाँ तक बात है, क्योंकि चार ग्रह आपके कुटुंब में आ बैठे हैं तो कुटुंब में भी कुछ ऐसा गेट टूगेदर समागम जैसी स्थिति होगी, वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे। बस आपको यही ध्यान देना है कि किसी की बात सुन के आपने रिएक्ट नहीं करना है, बिल्कुल जल्दबाजी में कुछ ना करें ताकि चार लोगों में आप खुद तमाशा बन जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपकी संतान की बात करूँ तो निश्चित तौर पर जब आप देखते हैं तो संतान यानी कि मंगल अष्टम भाव पंचम भाव के मालिक ट्वेल्थ हाउस में चले गए, तो संतान को लेकर चिंता रहेगी, संतान को लेकर चिंता रहेगी, तो संतान के चोट आदि लगने के योग हैं, संतान का बिहेवियर जो है वो एग्रेसिव हो सकता है, तो थोड़ा सा एक चिंता का विषय है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा, मिसकैरेज के चांसेस बन रहे हैं, ओवर्ट कराने तक की नौबत आ सकती है, तो थोड़ा सा बैलेंस इस बार आपको बनाना होगा। बहुत एक्साइटेड होकर आप चीज़ों को नहीं करें तो आपके लिए स्थिति अच्छी होगी, जो कि आपके रिलेशनशिप को और आपके आने वाली संतानों को बचा सकती है। ये महीना कुछ संतान के मामले में ज़्यादा ही कमजोर दिखाई पड़ता है। वहीं अगर मैं आपके गृह जीवन की बात करूं तो आप देखेंगे कि आपके बिल्कुल सामने जेमिनी और सेकंड हाउस में उसका होना ये दिखा रहा है कि पारिवारिक संबंध हस्बैंड और वाइफ के संबंधों में एक मधुरता होगी, एक अंडरस्टैंडिंग होगी, कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो अक्सर हस्बैंड और वाइफ में बहुत कम होती है, बहुत रेयर कपल हमें मिलते हैं जिनको हम कहते हैं यार
वो अगर काश हमारे साथ भी ऐसा ही होता, हमारा साथी भी कोई ऐसा ही होता तो बात बनती। लेकिन इस महीने में कुछ स्थितियां ऐसी होंगी जिसमें आप एक दूसरे की बात को इशारों ही इशारों में करने की समझने की कोशिश करेंगे। इस समय में शादी विवाह जैसी स्थितियों से गुजरना पड़ेगा आपको। शादी का आपकी शादी हो सकती है, कोई प्रपोजल आ सकता है, आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, बहुत ही अच्छी बात है। प्रेम संबंधों के मामले में भी ये बहुत अच्छा एक समय हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्रेम संबंधों में जल्दबाजी आपके लिए खतरनाक हो सकती है। मुझे लगता है कि जिसको आप चाहते हैं अभी वो इंसान तैयार नहीं है, कहीं ना कहीं आपको उसकी बुरे व्यवहार का शिकार होना पड़ सकता है। सहज पके सो मीठा हो, तो इन संबंधों को आगे बढ़ाना, बनाए रखना, चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है। और एजुकेशन के मामले में अगर मैं कहूँ, जो लोग एजुकेशन में हैं निश्चित तौर पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं जिसकी वजह से आपके जो रिजल्ट हैं वो कमज़ोर होने वाले हैं। जो लोग खुद हैं और जिनके जो बच्चों की बात करूँ तो बच्चे आपके एजुकेशन में निश्चित तौर पर कुछ हालत तक मेंटेन कर पाएंगे, लेकिन आपको उनके साथ भी बैठकर तैयारी करवानी ही पड़ेगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर मैं आपकी प्रॉपर्टी की बात करूँ तो निश्चित तौर पर कहूँगा कि जी हाँ, यह समय है प्रॉपर्टी को खरीदने का। जो साधन है प्रॉपर्टी के माध्यम से धन एकत्रित करने का, तो प्रॉपर्टी और गाड़ी गाड़ी भी इसमें आ जाती है। जब हम गाड़ी की बात करते हैं निश्चित तौर पे गाड़ी के मामले, एक बड़ी गाड़ी आप लेना चाहते हैं, आप अपने अपने आप को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं, अब ये गाड़ी नहीं, अब मुझे बड़ा जिससे अलग मॉडल और अच्छा वाला चाहिए। जी हाँ, उसमें आपको कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है, एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सब खर्चे और सब होने के बाद समस्या आ जाती है कि भाई ये सब होगा कैसे। तो सबसे पहले बात आती है, क्या लोन मिलेगा या मेरे पास ही इतना साधन आ जाएगा, तो वो हमें पहले ही पता रहता है। तो लोन की जब बात आती है, जी हाँ, अगर आप किसी तरह का कोई मोर्गेज अप्लाई करना चाहते हैं, किसी से कोई पैसे बोरो करना चाहते हैं, तो आपको सफलता मिलेगी, आपको लोन यानी कि कर्जा आपको मिल जाएगा। वहीं मैं कहूँ कि नौकरी अगर ढूंढ रहे हैं, नौकरी में इंटरव्यू में आपको कामयाबी मिलेगी, अच्छी नौकरी अच्छी सैलरी के साथ आपको मिल सकती है, उसका पूरा आनंद लें। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कुछ लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान जरूर रहना चाहिए। जो लोग हैं नौकरी में पहले से ही और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए क्या होगा, तो कह दूं कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छा करने वाले हैं। जो नौकरी में उनकी पे इंक्रीमेंट हो सकती है, आपकी पे में बढ़ोतरी हो सकती है, आपको बोनस मिल सकता है और आपके स्टेटस में राइज होगा, ऐसी संभावनाएं कुछ लोग आपसे ज्यादा जरूर होंगे। जो लोग काम धंधे में है, अपना बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, निश्चित तौर पर आप अपनी पोजिशन को बनाए रखने में कामयाब हो जाएंगे और आप एक अच्छा दबदबा जो है अपनी कम्युनिटी अपनी लोकेलिटी में बनाने में कामयाब हो जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिला के ये कहूँगा कि फाइनेंशियल जब बात करते हैं काम धंधा सब अच्छा, तो फाइनेंशियली कैसा रहेगा, तो मैं देख रहा हूँ कि फाइनेंशियली आप लोग काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। और ऐसा भी है, पैसे किसी के और मजे आप लूट रहे हैं। इस बार ऐसी स्थितियाँ भी आ सकती हैं कि आपको कुछ दूसरों की वजह से इंजॉय करने का मौका जो है वो मिल सकता है। यात्राओं के मामले में अगर मैं देखूँ तो आपके मंगल बैठे ही यात्राओं के घर में है, तो अचानक से यात्राएं हो सकती हैं। लेकिन यात्राएं जहां लड़ाई झगड़ा हो वहां की यात्रा बिल्कुल नहीं करनी है। किसी के मसले सुलझाने में नहीं जाना है कि हाँ वहां झगड़ी है तो मैं जाके देखता हूं कि ऐसा होगा, तो आपके चोट आदि आ सकती है। तो जोश में कुछ भी ऐसा ना करें। जनरल यात्राएं आपकी होंगी, वो यात्राएं आप करते रहेंगे, यात्रा में आपको सावधान रहना होगा। खर्चे इस बार आपके नॉर्मल से एवरेज खर्चे आपके जो हमारे होते हैं वही रहेंगे, कोई एक्स्ट्रा खर्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो होंगे वो बेहतरी वाले खर्चे होंगे। तो कुल मिला के 2018 का फरवरी मंथ जो है आप लोगों के लिए, सैजिटेरियन के लिए एक अच्छा महीना साबित होने वाला है। सावधानी ही सबसे अच्छा इलाज होता है। और उपाय में कहूँगा कि नीले रंग काले रंग के कपड़ों का दान को बिल्कुल उपयोग ना करें, और साथ ही साथ सफ़ेद चीज़ों का दान धर्म स्थान में करते रहने से आपको लाभ होगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने मुझे ईमेल है यूट्यूब के, भाई आपको इतने सब्सक्राइब चाहिए एक अमाउंट में, अगर वो नहीं है तो मैं आगे से आपके सामने शायद ये वीडियो लेकर नहीं हाजिर पाऊँ। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, खुद करें, दूसरों को बताएं, ताकि ये सिलसिला जो है आपका और मेरा मिलन जो है यूँ ही होता रहे। अब मैं मिलूँगा, बात करूँगा आपसे आपकी राशि के बारे में मार्च महीने में। तब तक के लिए नमस्कार।